रसोइयों की समस्याओं को लेकर रविवार को नगर निगम के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में प्रदेश अध्यक्ष रसोइया कार्यकर्ता कल्याण समिति राम ललित वर्मा के नेतृत्व में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में विभिन्न ब्लॉकों से आई रसोइयों को बताया गया कि केंद्र व प्रदेश सरकार रसोइयों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। मात्र 1,000 रुपए मानदेय पर कार्य करने वाले रसोइयों की सुधि नहीं ली गई, जबकि अन्य विभागों के कर्मचारियों के मानदेय सुधि की घोषणा कर दी गई है, परंतु रसोइयों का केंद्र व प्रदेश सरकार भूल गई है। जब तक हमारा मानदेय बढ़ाया नहीं जाता, तब तक हम विद्यालय में भोजन बनाने का कार्य नहीं करेंगे। मानदेय संबंधित अन्य मांगों को लेकर सोमवार से मंडल की सभी रसोइया नगर निगम पार्क में धरने पर बैठेंगे। इस अवसर पर रामपाल पांडे, रामवृक्ष यादव, सरिता देवी, मंजू देवी, संजू देवी, रामनाथ, जगदीश यादव, अखिलेश विश्वकर्मा सहित भारी संख्या में रसोइया मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए राम ललित वर्मा ने कहा, जिलों का देख रेख किए हैं, कई जिलों में दौड़े हैं, लोगों ने कहते हैं 1,000 रुपया पाते हैं लेकिन संतुष्टि प्रधान का देंगे सुनने को मिलता है। कहीं कहीं कहते हैं रसोइयों का वेतन नहीं आता है, और कहीं कहीं यह भी कहते हैं कि रसोई, कहीं कहीं ऐसा भी सुना गया है कि सुई लगा करके किसी तरह से 10-20 बटोर रहे हैं, किसी तरह से ले जाइए 150 ले लीजिए फिर दूसरे हमको डुमरी ग्राम सभा सहजनवा क्षेत्र में रिपोर्ट मिला, एक प्रधानाध्यापक से हमारा बातचीत हुआ जो सेकंड के प्रधानाधिकारी हैं, हमारे पदाधिकारी भी संगठन से हैं, अभी रसोइयों से पूछ लिया जा, सभी के मानदेय खाते से नहीं लिए जा रहे हैं, सब कुछ सीना झपटी कर रहे हैं, नहीं देना चाह रहे हैं, इसलिए हम प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से निवेदन करेंगे, अनुरोध करेंगे कि हमारे जो माताएं बहने गरीब रसोइयां हैं उनके मानदेय सीधे खाते में दिए जाएं। और ये तो बैठक हमारा है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग आएंगे, और कल के लिए घोषणा किया गया है हमारे प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महासचिव के और पदाधिकारी के द्वारा, कल पूरे प्रदेश में भोजन बंद रहेगा और विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। जय भारत देश। अब हम जाते हैं वर्मा जी बोलिए। आज जो है रसोइयों की जटिल समस्याओं को लेकर के आज जो है नॉर्मल के जो है नगर निगम के प्रांगण में बैठक किया जा रहा है, जो कि कल से दिनांक 22 तारीख से जो है पूरे मंडल में जो है अनिश्चितकालीन भोजन बनाना बंद किया जाएगा, क्योंकि केंद्र और उत्तर प्रदेश की सरकार ने हमारी गरीब रसोइया माता बहनों की सुध नहीं लिया है। अनेक कर्मचारियों के मानदेय की सुध ली जा रही है लेकिन हमारी गरीब रसोइया माता बहनों की सुध नहीं ली जा रही है, जिसके कारण हम लोग आक्रोशित हैं। कल दिनांक 22 तारीख से जो है हम लोग का विशाल मंडली धरना होगा, जिसमें गोरखपुर, महाराजगंज, संत कबीर नगर, कुशीनगर की भी रसोइया यहाँ जुटेंगी, और अनिश्चितकालीन धरना हम लोग का चलेगा जब तक हमारी मांग पूरा नहीं हो जाएगा। क्या नाम है आपका? राम ललित वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष, रसोइया कार्यकर्ता कल्याण समिति, उत्तर प्रदेश।